हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्स्ट्रा लार्ज पिलो कवर जो हमारी बेडशीट के साथ आते हैं, उनको कैसे आप अपने रेगुलर साइज़ के पिलो कवर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें से इतना फैब्रिक बचता है कि आप दो कुशन्स भी निकाल सकते हैं जो कि कम्प्लीट सेट बन जाएगा। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर 2 या 3 डिज़ाइन शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन पर आप वहाँ से चेक कर लें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो ऑलरेडी स्टिचिंग हो रखी है उसको मैं रिमूव कर लूँगी। उसके बाद पूरे फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि जो लाइनिंग्स हैं वो हट जाएं। मेज़रमेंट के लिए यहाँ पे जो ऑलरेडी मैं पिलो कवर यूज़ कर रही हूँ उसी से मेज़र करूँगी। कटिंग कुछ इस तरीके से करूँगी कि जो कुशन कवर हैं वो भी निकल जाएँ और हमारा पिलो कवर भी बन जाए। कब पिलो कवर्स मैंने कट कर लिया है दोनों पिलो कवर्स में से। अब इतना फैब्रिक बच गया है, इसमें से हम कुशन कवर्स निकालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इतना फैब्रिक शॉर्ट पड़ रहा है, तो जो हमारे पास पीसेस बच गए हैं उन्हीं में से हम इनकी कटिंग्स निकालेंगे। यहाँ पे दो कुशन कवर्स की कटिंग्स हो चुकी हैं जो कि मैंने सेम एक सिंगल कलर में लिया है। दो पिलो कवर्स निकल आए हैं रेगुलर साइज़ में, जिसमें से मैंने हाफ हाफ एक एक सेंटीमीटर हमने छोड़ा है सिलाई के लिए। और इसके बाद भी यहाँ पे अभी इतने स्क्रैप्स बच गए हैं जिसका रियूज़ मैं फिर कभी शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुछ डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने सेम कलर में से एक चूज़ किया है जिसका मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसका ट्रायंगल बना के बॉर्डर पे या फ्रिल्स लगा सकते हैं, इस तरीके से कटिंग्स लगा सकते हैं। तो पहले हम ये रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हम पिलो कवर रेडी करेंगे, जिसके लिए अभी हमें बैक का पोर्शन कट करना है। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक को मैंने साथ में रख लिया है और इस तरीके से जहाँ से आपको अपना फिलिंग डालनी है पिलो का वो उस तरीके से आप ओपन कर लें। इसके दोनों एंड्स में हमें फोल्ड करना है, बेसिकली जहाँ से पिलो हमारा इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पे इस बार जो मैं डिटेलिंग दे रही हूँ उसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आयरन करके ट्रायंगुलर शेप के मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसके राइट और लेफ्ट साइड में अटैच करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पिन की हेल्प से इनको हल्का सा सिक्योर कर सकते हैं, उसके बाद स्टिचिंग कर सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्टली मेरी तरह भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने सीधी की तरफ रखा है, ये सीधा साइड है, और ये जो ट्रायंगल्स हैं ये अंदर की तरफ लगेंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो ये अच्छे से लग चुके हों। जल्दबाजी में कई बार उल्टे लग जाते हैं, तो इस तरीके से हम इन सबको अटैच करेंगे। फ्रंट साइड में दोनों साइड से मैंने अटैच कर लिया है, अब हम इस बैक को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं पिन से सिक्योर कर लेती हूँ। पिन से सिक्योर कर लें, आप चाहें तो हाथ से स्टिचिंग करके कर सकते हैं ताकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ पे हमारा पिलो कवर रेडी हो चुका है, अब हम बनाएंगे कुशन कवर। कुशन कवर में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था अटैच करने के लिए, इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। तो दोनों सीधे साइड को अंदर की तरफ, उल्टे साइड से हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो दोनों एंड्स हैं जहाँ से हमारी फिलिंग जाएगी उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रेडी कर लेंगे।
सो हमने फैब्रिक अटैच कर लिया, इसके दोनों एंड्स पे हमने स्टिचिंग कर ली, फिनिशिंग दे दी। और मेज़रमेंट के लिए यहाँ पे मैंने इसको कुशन कवर को अपना रख रही हूँ। टॉप एंड बॉटम में मैंने एक एक सेंटीमीटर छोड़ा है एक नए डिज़ाइन के लिए। इस तरीके से उल्टा कर लें और राइट एंड लेफ्ट साइड से हम स्टिचिंग करेंगे क्योंकि एनवेलप कुशन कवर है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर चारों तरफ से छोड़ दिया है क्योंकि इस बार का जो डिज़ाइन है उसको मैं आउटर से देने वाली हूँ। और बस यहाँ पे चारों साइड से आपको स्टिचिंग लगा देनी है और इस तरीके से पाइपिंग लुक देता है। हैवी जो फैब्रिक्स हैं उनमें ये वाली डिज़ाइन, ये डिटेलिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी तरीके से एक पाइपिंग का लुक देता है। तो यहाँ पे हमारा कुशन कवर रेडी हो चुका है, तो चलिए देखते हैं फाइनल लुक। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी और ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।